कृपया माया का अर्थ क्या है गुरु जी, ये बताइए। ये जो अंग्रेजी का शब्द है ना मेजर, ये संस्कृत नियते माप या माया शब्द के नजदीक उससे आए। माया माने जो नाप सकते हो वो माया है, जिसको नाप नहीं सकते हो वो मायातीत है, वो ईश्वर। दुनिया में हर चीज माप सकते हैं, मगर चेतना की कुछ चीजें माप नहीं सकते, जैसे प्यार नहीं माप सकते हो, सुंदरता को नहीं माप सकते हो, सत्य को नहीं माप सकते हो, ज्ञान को नहीं माप सकते हो, जीवन को नहीं माप सकते। हाँ, गुरु जी को भी नहीं माप सकते। तो ये जो जो नहीं माप सकते हो ये सब आत्मा का अंग है, गुण लक्षण। तो माया में ही उलझे रहोगे तो फिर शांति प्रेम सुंदरता सुख ये सब कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता ना। तो इसलिए माया माने जो जो तुम माप सकते हो दुनिया में वो सब माया है। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्य, भगवान ने कहा ये माया जो है ये दैवी गुण वाली है, इसको गलत नहीं बोलो, मगर इसके पार तो जाना ही है, तभी सुख तभी शांति। गुरु जी, भारत में इतना अध्यात्म होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार क्यों है? अमेरिका आजाद हुआ सिर्फ 400 साल पहले, हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ 50 साल पहले, और इस देश गुलाम रही करीब 1000 साल तक। 1000 साल की गुलामी और सिर्फ 50 साल की आजादी, वो भी पूरी आजादी नहीं है। इस तरह की परिस्थिति में हिंदुस्तान अभी भी आगे बढ़ रहा है, इसको देख के हमें हौसला रखना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। दिल में हम सोच लेते रहे ऐसी बेकार परिस्थिति क्या करें, हम सब लोग मिलके देखे सोचे हम क्या कर सकते। अभी देखिए अभी कुछ स्कूल तो अपना शुरू हो गया कितने गांवों में, अब देखिए कितनी जगह ये युवा जारी जा रहे हैं, 10-10 गांव में स्वच्छता के आंदोलन संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं, कुछ प्रेम की बात प्रेम की गीत फैला रहे हैं। इसी तरह आप भी सब थोड़ा थोड़ा समय निकालो, एक एक महीने दो दो महीने आप टाइम निकालो, आप चले जाओ एक एक तहसील गांव में, एक एक आदमी नहीं पांच पांच छह छह की टोली बन के चले जाओ, उन गांव में लोगों को जगाओ चेताओ जागो, देश के प्रति धर्म के प्रति श्रद्धा रखो, ये जागना पड़ेगा, नहीं करना है ना। हम सब लोग जितना हमसे हो सके उतना हम करते जाएं, पूरी दुनिया के दुख दर्द एक साथ सब मिटा नहीं पाएंगे, मगर हमसे जो हो सकता है वो हमें करना ही है, ये कर्तव्य है। ये संकल्प कर लो आप सब लोग जितना टाइम, एक महीने दे सकते हो, साल में दो हफ्ते टाइम निकाल सकते हो, चले जाना ग्रुप बना लो और लोगों को इस ज्ञान के प्रति सजगता ले आओ। सिर्फ बोलने से नहीं बनता काम, बोलने के साथ कुछ साधना दे दो, ऐसे जैसे भीतर का सब मेला कचरा सब निकल जाए, भीतर साफ हो जाए व्यक्ति, फिर वो सुंदर समाज एक दिव्य समाज का निर्माण कर पाता है। जब तक भीतर सफाई नहीं होती है तब सुंदर समाज के सुंदर व्यक्ति नहीं बने, नहीं। तो ये सब हम लोगों को करने के लिए एक मौका है।